इंडिया तो वैसे भी हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान से बहुत आगे जाता जा रहा है, मतलब आप गाड़ियों में देख लें, टूरिज्म में देख लें, बाकी मोबाइल फोन इंडस्ट्री उन्होंने अपने मुल्क में हर चीज लगा ली है, तो मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं वो। शायद आपको सुन के बड़ी हैरत हो कि जब से मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए हैं और वहाँ पे जाके आईलैंड्स को वो टूरिज्म के हवाले से प्रमोट कर रहे हैं, 7500 के करीब जो उनसे हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए, और तकरीबन 2300-2500 के करीब जो उनसे हैं एयर टिकट जो उनसे वो कैंसिल कर दिए गए हैं मालदीव के लिए, यानी कि उसे छोड़ के अब इंडिया की तरफ वो अपने कंट्री की तरफ जा रहे हैं। हम बलूचिस्तान का बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वहाँ पे देखे तो वहाँ पे मड वॉल्केनोज़ हैं जो कि 300 के करीब है, पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं है। अकेला बलूचिस्तान ही सिर्फ आपकी GDP संभाल सकता है, इतना ज़्यादा टूरिज्म है वहाँ पे। बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि हमें इजाजत ही नहीं है सिविल्स को जाने की वहाँ पे। हमारे जो इस टाइम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहीं पे जाके बलोचिस्तान में जाके कह देते हैं कि भाई ये बड़ा अच्छा एरिया है, यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आए या पाकिस्तान के दूसरे एरिया से लोग आए, क्या लोग जाएंगे? इतबार ही नहीं करेंगे यार। अब इंडिया के शख्सियत के ऊपर होता है ना, शख्सियत तो पहले वैसी लेके आओ ना। अब देखो मोदी है, अगर उनकी आवाम उनको लाइक करती है, वो जो सुनती है बात करती है, हमारे यहाँ कौन है? देखे अब बाहर भी जाए ना तो वहाँ पे वो उनका ना एक कंबाइन रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं वो आपस में भी, इंडियन लोग। अच्छा। इंडियन इवन बांग्लादेशी लोग वो इकट्ठे रहते हैं। हम जब बाहर जाते हैं ना, हमारा कोशिश होती है कि हम इकट्ठे ना आ रहे हैं, अलहदा अलहदा रहे, तो ये चीज़ उनके उनके अंदर पोलिटिकल अवेयरनेस है कि हमने मिल के चलाना है मुल्क को। पिछले दिनों ये भी खबर गुजरी है कि जो वो IT पार्क जो इंडिया में बना है वो पाकिस्तान में बनना चाह हो रहा था, इन्होंने कमीशन मांगी थी। बाहर अब हमारी जैसे पासपोर्ट की इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, वो हमें लाइनों में लगा देते हैं, जाओ जी इधर लग जाओ। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर की वो कपड़े उतार के चेकिंग ऐसे ही और इंडिया वालों को वो कुछ भी नहीं करते। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट TV। लास्ट 48 आवर से गूगल पे दो चीजें टॉप ट्रेंडिंग पे हैं, एक लक्षद्वीप और एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसकी रीजन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप जो कि आइलैंड्स हैं वहां का विजिट किया, टूरिज्म को प्रमोट किया, और उसके बाद तकरीबन 50 लाख के करीब लोगों ने टूरिज्म के हवाले से लक्षद्वीप को ना सिर्फ किया बल्कि 7500 के करीब जो उनकी होटल बुकिंग है वो मालदीव्स की कैंसिल हुई, तकरीबन 2300 के करीब जो एयर टिकट्स हैं मालदीव्स की कैंसिल हुई। आखिर इसकी क्या वजह है कि मालदीव्स में नई आने वाली इस्लामिक गवर्नमेंट का क्या इशू हुआ इंडिया से जिसकी वजह से उन्हें ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं? पाकिस्तान में भी बलोचिस्तान हो या बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर किसी एरिया में जाके टूरिज्म को प्रमोट करेंगे तो क्या पाकिस्तान के लोग उसे उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, इंटरनेशनली वो चीज ट्रेंडिंग पे जाएगी? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है, लोगों के अंदर कितनी उनकी वैल्यू है, इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मौज। और आपका नाम? उसामा। क्या करते हैं उसामा भाई? जॉब वगैरह करते हैं। जॉब करते हैं, ठीक है। टॉपिक हमारा बड़ा ज़बरदस्त है आज का, पाकिस्तान में इस टाइम क्राइसिस हैं, इकॉनमी के क्राइसिस हैं और भी बहुत से क्राइसिस हैं, लेकिन ये हम टूरिज्म के ऊपर कितना वर्क कर रहे हैं, कितनी ऐसी प्लेसेस हैं हमारे यहाँ पे जिनके ऊपर अगर हम वर्क करें तो हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर अपना इमेज बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले 2007-08 में बहुत ज़्यादा टूरिज़म था, बाहर से बहुत लोग आते थे पाकिस्तान में, लेकिन एरियाज में नॉर्दर्न एरियाज नारान कागान वगैरह और गिलगित बल्तिस्तान वहाँ पर काफ़ी लोग आते थे, लेकिन अब जो है टूरिज्म बहुत कम हो गया, बाहर के लोग तो बिल्कुल आना छोड़ गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक मुल्क की इकॉनमी के लिए, एक मुल्क की इकॉनमी के लिए और साथ साथ एक उस कंट्री के इमेज के लिए भी बहुत बेहतर है। अच्छा, अब टॉपिक सवाल जिसके ऊपर हम बेसिक आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि इंडिया की अगर बात करें, हमारा नेबर कंट्री भी है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं लक्षद्वीप जो 36 तकरीबन जो उनसे हैं वो आईलैंड हैं उनका एक मजमू है, वहाँ पर वो गए हैं टूरिज़म को प्रमोट कर रहे हैं और प्रॉपर मालदीव को उन्होंने डायरेक्टली कह लें वार्न किया है कि भाई अगर इंडिया से बड़ी तादाद में टूरिस्ट मालदीव जाते थे लेकिन वहाँ पर जो इस्लामिक गवर्नमेंट आई है मालदीव में जो कि इंडिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रही, तो उन्होंने कहा हम अपने कंट्री को प्रमोट करेंगे, अपने कंट्री के जो उनसे वो एरियाज को टूरिज्म के हवाले से प्रमोट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, इंटरनेशनली ट्रेंडिंग पे रहा है दो दिन मालदीव और अपना लक्षद्वीप और PM मोदी? बिल्कुल जी, इंडिया तो वैसे भी हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान से बहुत आगे जाता जा रहा है, मतलब आप गाड़ियों में देख लें, टूरिज्म में देख लें, बाकी मोबाइल फोन इंडस्ट्री उन्होंने अपने मुल्क में हर चीज लगा ली है, तो मेड इन इंडिया को शायद प्रमोट कर रहे हैं वो, इसलिए क्या कहते हैं कि बस
ये चीज़ है। अच्छा आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि हम देखें पाकिस्तान में भी बहुत ऐसी प्लेसेस हैं जिसे हम प्रॉपर प्रमोट कर सकते हैं, जिसे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोकस क्या है, और दूसरे नंबर पे अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, सीखना तो चाहिए, देखना भी चाहिए। वो जाते हैं अपने आईलैंड पे जाते हैं और वहाँ पे जाके वो अपना टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं, और कोई भी कंट्री जो उनके अगेंस्ट या जो भी उनको उनकी पॉलिसीज को इस तरीके से डिस्टर्ब करता है उन्हें वो वार्न करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। सबसे पहली बात ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, पहले लोगों में, फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी। पहले लोग पहचाने कि हमारी जो हमने इस इंडस्ट्री के ऊपर लेके जाना है कि नहीं लेके जाना, इस इंडस्ट्री का मतलब तो पहले पाकिस्तान। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं अब मतलब हम बाहर भी देख के आए हैं, पाकिस्तान में जो नॉर्थ के एरियाज हैं स्पेसिफिकली अगर उसकी बात करें, या दूसरी तरफ हम बलोचिस्तान का बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वहाँ पे देखें तो वहाँ पे इंडिया से ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड्स हैं और मड वॉल्केनोज हैं जो कि 300 के करीब है, पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो बलोचिस्तान में, और ये वही बलोचिस्तान है जो इग्नोर हो रहा है यहाँ पे, जिनके लोग जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब देखे जहाँ के लोगों पर जुल्म हो रहा था वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, बाकी खाने खा रहे होते हैं बाहर बैठ के। तो मजमू तौर पर एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, वो कोई भी लेवल हो, मतलब आप टूरिस्ट, सिर्फ हमारी जीडीपी टूरिज्म पे चल सकते हैं, इतना हमारे में वो है। बहुत कंट्रीज ऐसे हैं जो के टूरिज्म के ऊपर चल रहे हैं, उनकी इकॉनमी सारी उसके ऊपर ही चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें तो चार मौसम दिए हैं अल्लाह ताला ने, गर्मी सर्दी हर तरफ, जहाँ देखे आप बलोचिस्तान चले जाएं वहाँ पे आपको गर्मी भी मिलेगी, रात के सर्दी भी, बर्फ भी मिलेगी। अब K2 सिर्फ हमारी ऐसी जगह जो बहुत सारे लोग आते हैं जहाँ पे जिसे, लेकिन ये है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी, उसके लिए अवेयरनेस है। अभी एक चीज़ ये है जो शायद आपको सुन के बड़ी हैरत हो कि जब से मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए हैं और वहाँ पे जाके आईलैंड्स को वो टूरिज्म के हवाले से प्रमोट कर रहे हैं, 7500 के करीब जो उनसे हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए, और तकरीबन 2300-2500 के करीब जो उनसे हैं एयर टिकट जो उनसे वो कैंसिल कर दिए गए हैं मालदीव के लिए, यानी कि उसे छोड़ के अब इंडिया की तरफ वो अपने कंट्री की तरफ जा रहे हैं, यानी इसमें कहीं ना कहीं मोहब्बत, इसमें कहीं ना कहीं वो भी चीज़ नज़र आती है कि प्रायोरिटी जो उनकी है वो। बिल्कुल, इंडिया की जो प्रायोरिटी है वो मतलब उन्होंने इंडिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, ठीक है। उनकी अपनी उन्होंने हर चीज़, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, उन्होंने हर चीज़ अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है और वो अब दुनिया की तरफ एज सच नहीं देख रहे, अब वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, सारा कुछ अपना कर रहे हैं ताकि वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल, दूसरे वर्ड्स में कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और वो खुद मुख्तार और होना चाह रहे हैं। जैसे आप छोटी सी बात करूँगा, यहाँ पे अगर आप दुबई का देखें 1980s में उनको पता था कि हमारे पास जो है ना ऑयल ख़त्म हो गया, अब टूरिज्म से ही हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें अपना 75 ईयर्स या 50 ईयर्स का प्लान देना पड़ेगा। सीधी बात है, आवाम को उठना होगा कि भाई हमें ये जो इंडस्ट्री है वो हमें ग्रूम कर सकती है मुल्क को, उठना होगा। इर्द गिर्द के कंट्रीज में जो डेवलपमेंट हो रही है, इर्द गिर्द का कंट्री इसलिए कहता हूँ, एक तो ये है कि हमारी और उनकी ज़मीन आलमोस्ट एक जैसी है, इन्वायरमेंट अगर वो बात करें वो एक जैसा है, मौसम आलमोस्ट एक जैसे हैं, तो हम अगर वो फ़ायदा उठा सकते हैं अपने कंट्री के इस तरह की प्लेसेस से, हम क्यों नहीं उठा सकते। और दूसरे नंबर पे देखें वो अपने कंट्री को कैसे प्रायोरिटी देते हैं, कैसे वो मतलब फर्स्ट रखते हैं, उनके लिए इंडिया फर्स्ट है, हमारे लिए जो उनका वो शायद US फर्स्ट है। नहीं सर देखें, आप बाहर भी जाएँ ना तो वहाँ पे वो उनका ना एक कंबाइन रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं वो आपस में भी, इंडियन लोग, अच्छा। इंडियन इवन बांग्लादेशी लोग वो इकट्ठे रहते हैं। हम जब बाहर जाते हैं ना, हमारा कोशिश होती है कि हम इकट्ठे ना आ रहे हैं, अलहदा अलहदा रहे। तो ये चीज़ उनके अंदर पोलिटिकल अवेयरनेस है कि हमने मिल के चलाना है मुल्क को, चलते भी कंट्री ऐसे। एग्जैक्टली, जब आप नीचे ग्रास रूट पे आपको डेवलपमेंट होगी तो ऊपर ऑटोमेटिकली नजर आती है, लेकिन जब वहाँ भी सोई हुई है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। इशू शायद ये है कि पब्लिक जब तक सोई है, चाहे वो किसी भी कंट्री की होगी, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं आएगी जब तक अवेयरनेस हमारे पॉलिटिशियन हमें ये बताएंगे नहीं। हमें यहाँ पे बस आपस में लड़ा दिया जाता है, ये चोर वो चोर, या इस तरीके से ये नहीं बताया जा रहा कि हम अभी पाकिस्तान के बारे में सोचने नहीं दिया जा रहा। मतलब जो बात की है बड़ी हैरत वाली बात की है कि बलोचिस्तान में ऐसे एरियाज हैं, आपने जो जिन एरियाज की बात की, जहां से हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं अकेला बलोचिस्तान ही सिर्फ आपकी जीडीपी संभाल सकता है, इतना ज्यादा टूरिज्म है वहां पे। बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि हमें इजाजत ही नहीं है सिविल्स को जाने की वहां पे। अच्छा। तो अब आगे क्या आपको आप बात करें इस टाइम, पाकिस्तान में ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पे हमें जाने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, टूरिस्ट की तो दूर की बात है। अच्छा, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, क्या हमें सीखना चाहिए नेबर कंट्री से, क्या हमें देखना चाहिए डेवलपमेंट वहां पे हो रही है और उनके लीडर में और हमारे लीडर्स में जो फर्क है? मैं ये कहूंगा कि हमें पार्टीज़म, ये क्या कहते हैं कि अपने पंजाबी
सिंधी इनसे निकल के एक पाकिस्तानी होने के नाते अपने आप को सोचना चाहिए, पाकिस्तान को तरक्की देनी चाहिए। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो फिर ऑटोमेटिकली हर रिस्पेक्ट होगी हमारी होगी बाहर। अब हमारी जैसे पासपोर्ट की इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, वो हमें लाइनों में लगा देते हैं, जाओ जी इधर लग जाओ। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर की वो कपड़े उतार के चेकिंग ऐसे ही है। और इंडिया वालों को वो कुछ भी नहीं करते। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको एक पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा, ना कि पंजाबी सिंधी, इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और इन इश्यूज़ के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। मोस्टली लोग कहते हैं नहीं जी ये कौन सा टॉपिक है, ये कैसा टॉपिक है, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये नहीं पता जब बात नहीं करेगी इंटरनेशनल लेवल पे जो चेंजिंग्स आ रही हैं, जो इकॉनमी को लेके चेंजिंग्स आ रही हैं, जब तक उनके ऊपर डिस्कशन नहीं की जाएगी तब तक चेंज नहीं आएगा। अच्छा आप ये क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो उनसे पासपोर्ट की वैल्यू, ये तो पूरी दुनिया को पता है इंडिया वालों की पासपोर्ट की वैल्यू, हमारी रिस्पेक्ट और उनकी रिस्पेक्ट क्या? सर बात यह है कि हमें इस चीज़ से निकलना होगा कि हमें सड़कें मिल रही हैं, ये मिल रहा है। आप देखिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो ये है कि आपको तालीम मिलनी चाहिए सबको, आपको हेल्थ केयर मिलना चाहिए। बाहर के मुल्क में पहले ये चीज़ें बनती हैं, उसके बाद जाके सड़कें और ये मिलती है, उनसे हमें कुछ नहीं लेना। आप सड़कें बना दें, वन वे जा रहे होंगे लोग जब तक शऊर नहीं है, तो हम नीचे वाले लेवल से ऊपर जाएंगे, इस लेवल से उठेंगे तो फिर हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरफ जाएंगे। लीडरशिप का कितना उसमें जो है वो एफर्ट होनी चाहिए या होती है? देखें उनके जो प्राइम मिनिस्टर ने अगर वहाँ पे विजिट किया, उनके टूरिज्म को उन्होंने वहाँ पे लक्षद्वीप में प्रमोट किया, 50 लाख के करीब इंटरनेट, ये गूगल का जो एक सर्वे उन्होंने दिया कि 50 लाख के करीब लोगों ने उसको सर्च किया कि हाँ भाई ये कौन सा एरिया है, ये कौन से आइलैंड्स हैं जिधर हमारे जो पीएम चले गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजन और उनके प्राइम मिनिस्टर के विजन में क्या फर्क? सर विजन की बात तो ये है कि या तो हो ना हमें कोई उम्मीद हो इनसे, कोई भी है, कोई वट एवर पॉलिटिकल, हाँ कोई भी लीडर है, हमसे उम्मीद, हमें उनसे उम्मीद ही नहीं है। क्योंकि हमें जब तक अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद नहीं बदलते, तो हम नहीं उठेंगे तो ऐसे ही करेंगे कि वो एक के बाद एक गुलाम बनते जाएंगे। हाँ। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन में उनके प्राइम मिनिस्टर के विजन में क्या फर्क है? 50 लाख लोगों ने इंटरनेट में सिर्फ सर्च किया है कि भाई ये कौन सा एरिया है, हम भी वहाँ पे जाना चाहते हैं टूरिज्म के हवाले से। देखिए मैं ये कहूँगा लास्ट में कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह मतलब हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, ठीक है, और उनके प्राइम मिनिस्टर मतलब वो तरक्की की राह पे गामजन है अपने कंट्री के लिए, कंट्री के लिए वो सिंसियर हैं। तो मैं ये कहूँगा एंड पे कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कंट्री के लिए सिंसियर होना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम दुनिया में अपना अपने आप को सरखरू कर सकते हैं। जबरदस्त जी, अच्छा लगा बात करके। डेफिनेटली जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक किसी भी बेहतरी जहाँ पे भी कोई होगी, जहाँ पे किसी भी कंट्री में हो रही होगी, उसको सीखेंगे नहीं तब तक हमारे यहाँ पे चेंज नहीं आएगा। आइए मजीद किसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जिराना खालिद महमूद। जिराना साहब आज टॉपिक ये है कि अगर टूरिज्म की बात करें, पाकिस्तान की बात करें और साथ ही इंडिया की बात करें, इंडिया में उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लक्षद्वीप का विजिट किया, 36 आइलैंड्स हैं वहाँ पे जिसे उन्होंने प्रमोट किया टूरिज्म के हवाले से, और एक दफ़ा मालदीव्स को वार्न कर दिया कि भाई जो हमारे यहाँ से टूरिज्म आपके उधर जाते हैं, अगर आप रिलेशन या इस तरीके से हमारे अगेंस्ट पॉलिसी बनाओगे तो आपके लिए मसला होगा। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान का एरिया है और भी नॉर्दर्न एरियाज हैं, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो टूरिज्म के हवाले से हम प्रमोट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो पहले इसके ऊपर खान ने काम स्टार्ट किया था, इमरान खान की गवर्नमेंट भी इसके ऊपर पूरी प्रॉपर एक फोर्स भी बनाई थी टूरिज्म के लिए कि उनको सिक्योरिटी देने के लिए। तो अब क्या सूरत आलम मुझे नहीं पता, अनफॉर्चुनेटली ऐसा अगर कोई है तो, लेकिन इसके ऊपर बड़ा काम था। आपके ख्याल से काम हो रहा है अभी? हो रहा है काम अभी? मैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर खान साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से काम स्टार्ट किए थे। अगर हो नहीं हो रहा तो होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि हमारा सिंगापुर तो कुछ भी नहीं है, हम उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत ममालक हैं। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि देखें कि हमारे लिए दूसरे दूसरी कंट्रीज के लोगों के लिए तो चलो मुश्किल होगा, हमारे लिए मुश्किल है, हमारी गाड़ियाँ फंस जाती हैं। मैं तो कहता हूँ कि इन जो हमारा शुमाली इलाका जाता है इसके अंदर छोटे मिनी एयरपोर्ट्स बनाने चाहिए, जिस तरह छोटे हेलीकॉप्टर है ये लाहौर से, मुल्तान से, कराची से, ये दूसरे शहर हैं, इनसे छोटी बाई एयर छोटी परवाज वहाँ पे जाए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। इसमें ये आ जाता है ना जी, हमारे पास इतना रेवेन्यू नहीं है, इतना बजट नहीं है, इकॉनमी हमारी इस टाइम क्राइसिस का शिकार है जिसकी वजह से नहीं कर पाते। इंडिया की हम बात कर रहे हैं, टॉपिक मेन खबर ये, आपको पता है, आपको हैरत हो शायद सुन के, इस टाइम इंटरनेशनली 2 दिन गूगल पे ये सर्च ट्रेंडिंग रही है, टॉप 10 में रही है, एक तो पीएम मोदी के नाम से
और दूसरे नंबर पे जो चीज ट्रेंडिंग रही है वो लक्षद्वीप के नाम से जो आइलैंड्स हैं उनके, उस हवाले से क्या समझते हैं? उन्होंने दो दिन का विजिट किया और पूरी दुनिया में बता दिया कि हमारे कंट्री में ये एक एरिया है, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे भी एरियाज हैं, हम क्यों नहीं बता पाते? उनके प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन में कोई फर्क है? बहुत ज्यादा। इधर को प्राइम मिनिस्टर रहने देते हैं, पहले नंबर पे प्राइम मिनिस्टर रहने दें तो विजन में भी फर्क। कोई विजन है? कोई प्राइम मिनिस्टर अपना विजन लेके आए? ये तो प्राइम मिनिस्टर अपना लेके आते हैं, ठीक है। कोई विजन, कोई विजन वाला प्राइम मिनिस्टर आएगा तो कुछ होगा। एक था उसको आपके सामने क्या हुआ है? देखिए आप मालदीप की बात करते हैं, सऊदीया है, एक तरक्की पजीर है, क्या नहीं उसके पास। मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया, उसने अपना टूरिस्ट अपने कंट्री में सऊदीया में खोल लिया है कि वहीं पे सिनेमा और क्लब बनाया। क्यों? कि उसका विजन ये है कि मेरे जो लोग दूसरे कंट्री में पैसा खर्च करके आते हैं वो बचे, इस्लामिक कंट्री में। वैसे चाहे हम जो मर्जी करें, मतलब ये तो आपने एग्जांपल के तौर पे बोला ना, क्लब और सैनमाज है, ये सोच अगर वो सोच सकते हैं सऊदीया वाले, दुबई वाले या इस तरीके से, हम क्यों नहीं ये सोचते कि हम भी यहाँ पे टूरिस्ट हब बनाए? जो ये क्लब और इन चीजों को मना करेंगे वो खुद भी तो रात को क्या करते हैं, बोतली उनकी निकलती है, वो दिखाते कुछ है, करते कुछ है, बार ये खुद अय्याशी करने जाते हैं, हमारे जो लीडर हैं सारे करने जाते हैं। देखो भाई जितना खूबसूरत हमारा मुल्क है, अगर इसके ऊपर आप कहते हैं कि बजट नहीं है, वो भाई बजट कोई, ये खुद अपने पांव पे खड़ा हो सकता है ये टूरिज्म का जाके। एक और चीज नहीं मेरे ख्याल से राणा साहब, मैंने जो नोट किया कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में यूनिटी नहीं है, शायद मेरे में, आप में, पाकिस्तानियों में यूनिटी नहीं है। अगर इंडिया की बात करें, क्योंकि जिक्र इसलिए करते हैं कि हमारा नेबर है, और कहां से कहां चला गया आज, आज ये चीज नोट करने वाली बात है, वो कहां से कहां चला गया, सारे आगे चले गए। अब पिछले दिनों की बात है, मेरे मामू जी हैं, वो काम करते हैं वर्ल्ड बैंक के साथ, तो उनका मुझे बता रहे थे कि चाइनीज के साथ काम था, तो वो चाइनीज की बता रहे थे कि वो कौम ने तरक्की कैसे की, बहुत सारे और भी हैं लेकिन एक एग्जांपल उसने दी कि वो उनसे पूछा कि वो सबसे पहले अपने मुल्क का सोचते हैं, उसके बाद वो जिस सूबे में रहते हैं उसका सोचते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का सोचते हैं, इवन क्या वो अपने यूनियन काउंसिल का सोचते हैं, फिर अपने घर का सोचते हैं, ठीक है। यानी हम क्या कर, और हम उल्टे हैं, हम पहले अपना सोचते हैं, फिर उसके बाद अपने घर का, मोहल्ले का, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट, रिश्तेदारों का, रिश्तेदार घर मोहल्ले का नहीं, अपना, फिर उसके बाद रिश्तेदारों का कि उनको कहाँ कहाँ पे करना कर सकते हैं। अच्छा यही फर्क है ना, आज देखें आज वो कहाँ पे हैं डेवलपमेंट में, हम कहाँ पे हैं डेवलपमेंट में, ये चीजें हैं। चाइना देख लें, इंडिया देख लें, इवन बांग्लादेश देख लें, और अब मैं कहता हूँ कि जो सिचुएशन नजर आ रही है शायद अफगानिस्तान की भी आने वाले टाइम में, हम कहेंगे अफगानिस्तान देख लें, निकल चुका है वो भी आगे। क्या है, नजरिया होता है, एक विजन होता है, अनफॉर्चुनेटली इधर तो मायूसी है, फिर बाद मायूसी वाली शुरू हो जाती, कुछ भी नजर नहीं आता, कौन करे, किसका विजन है? हाँ यहाँ तो आइन को रोंदा जा रहा है, ऐसे ही है हमारा जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर नहीं अमल किया जा रहा, अमल नहीं किया जा रहा, तो नई पॉलिसी क्या बनाए, नए इदारे क्या बनाएंगे? लेकिन खुदा रहा यही उम्मीद तो है, रखनी चाहिए। मुझे और आपको इन चीजों पे बात करने की जरूरत है, दुनिया में जो चीजें डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं उनको समझने, उनके ऊपर गौर करने की जरूरत है, और दूसरे नंबर पे ये कंसेप्ट खत्म करने की जरूरत है कि भाई ये देखें जी उससे नहीं हम सीखेंगे, वो कंट्री हमारा दुश्मन है, उसके साथ रिलेशन नहीं बेहतर करेंगे। इन्होंने जैसे बताया कि भाई टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए तमाम नेबर्स के साथ, तमाम कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए, करने पड़ेंगे, ये फिर वही बात है कि ये डफर है, बोलेंगे तो मसला होगा, ये सारे डफर है, क्यों नहीं करते आप? ठीक है जिसको कि आप मुख्तलिफ इश्यूज लेके बात कर रहे हैं लोगों से, एक कोशिश करते हैं अवेयर करें कि कोई अवेयरनेस की अवेयरनेस दी जाए, लोगों को दी जाए, लोगों को तो अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन जो डफर लोग बैठे, मैं इधर से डिसएग्री करता हूं, मेरे ख्याल से लोगों को भी नहीं है सर। अगर लोगों को अवेयरनेस हो, कुछ लोगों को है, एजुकेटेड लोग जो समझदार हैं, अगर ओवरऑल हमारे मेजोरिटी लोगों को अवेयरनेस हो, उन्हें पता हो कि हमारा पाकिस्तान का असल इशू क्या है, तो शायद इशू सॉल्व भी हो। हमें ये लगता है कि हमारा पाकिस्तान का इशू ये है कि शायद पेट्रोल महंगा हो गया, ये इशू है, रोटी आटा महंगा हो गया, ये इशू है, नहीं, हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हम पाकिस्तान के साथ शायद सिंसेयर ही नहीं है, नहीं है सिंसेयर नहीं है, हम यूनिटी नहीं है। हम क्या करते हैं कि हमने पैसा कुछ अच्छा बना लिया है या बाहर तो सब कुछ खरीदने चले जाते हैं,
अपनी प्रोडक्ट को वैल्यू नहीं देते, वैल्यू नहीं देते हम हर चीज। देख मैं एज ए दुकानदार अगर बहुत सारी चीजें हैं, अब ये मैं सीजन है हीटर का, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोडक्शन हो रही है गुजरावाला में, गुजरावाला में, लाहौर में भी हो रही है, तो मैंने चीज देखी कि जिसके ऊपर जो क्वालिटी में अच्छा है ना उसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान में बन के वो मेड इन चाइना लिखा हुआ है। अच्छा, यकीन जाने पाकिस्तान की बनी हुई चीज अच्छी क्वालिटी की आगे क्लाइंट भी नहीं लेता। अच्छा, ये मेरे लिए बड़ी हैरत वाली बात है कि पहले पाकिस्तान में भी ये कॉन्सेप्ट था, पूरी दुनिया में तो शायद है ही है कि चाइना का जो माल है, जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, वो इतनी पायदार नहीं होती, उनकी इतनी क्वालिटी नहीं होती, लेकिन अब ये हैरत वाली बात है कि पाकिस्तान में बिकता ही वो है जो मेड इन चाइना हो, यानी पाकिस्तान का बना हुआ भी मेड इन चाइना की स्टैंप। मैं समझता हूँ कि चाइना की चीज आप कह रहे हैं कि नहीं चलती, वो चलती है, वो यूरोप में भी तो दे रहा है। अच्छा, वो फिर देता हमें दो नंबर। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ रेट कंपटीशन है, क्वालिटी कंपटीशन नहीं है। दूसरे कंट्रीज में क्वालिटी कंपटीशन है, वो क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं, क्वालिटी लेते हैं। चाइना में सब कुछ है, तो चाइना इधर भी आता है, इधर अगर कोई अच्छी चीज नहीं आती तो वो समझ लो पाकिस्तानी मेयार पे तैयार होके आती है, और वो खुद हम तैयार करवा के लेके आते हैं। चाइनीज का कसूर नहीं है, मैं नहीं समझता कि चाइनीज का कसूर है, मैं तो तजारत में देख रहा हूँ ना कि मेरे पास खुद कहते हैं कि भाई आपने लो क्वालिटी, मेरे पास आप माइक लेने आए हैं तो मैं कहता जी मुझे इससे सस्ता दो। हाँ। तो मैंने देखा ना, अच्छा मेरी इससे सस्ते डिमांड है, मैं जाके चाइना डिमांड करूंगा कि जी इससे सस्ता दो। ठीक हो गया। तो ये चीजें चल रही हैं, तो अगर हम बेहतर बनाते हैं तो हम वो अपने नाम पे भी नहीं बेचते क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, दूसरों ने क्या ट्रस्ट करना है। अब आज हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, आपको लगता है हमारे जो इस टाइम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहीं पे जाके बलोचिस्तान में जाके कह देते हैं कि भाई ये बड़ा अच्छा एरिया है, यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आए या पाकिस्तान के दूसरे एरिया से लोग आए, क्या लोग जाएंगे? इतबार ही नहीं करेंगे यार। अब इंडिया के शख्सियत के ऊपर होता है ना, शख्सियत तो पहले वैसी लेके आओ ना। अब देखो मोदी है, अगर उनकी आवाम उनको लाइक करती है, वो जो सुनती है, बात करती है, हमारे यहाँ कौन है? ऐसे ही है। हाँ, ये पिछला जो गुजरा है इमरान खान साहब, उसको फैन फॉलोइंग या उनको थी, जो कहता था लोग सुनते थे, करते थे, इवन के उन्होंने कट्टे पालने का कहा था, लोग कट्टे पालने पे लग गए थे। और नो डाउट ये चीजें हैं, अब पर्सनैलिटी का बड़ा फर्क होता है। उन्होंने सिर्फ दो दिन के विजिट पे किए और इंटरनेशनल ट्रेंडिंग पे है, और अपनी कंट्री में, किसी दूसरे कंट्री में नहीं गए। और जो मालदीव की बात करें, उन्हें इस टाइम जो उनसे समझ लें कि परेशानी हो गई है। और उस मैं के समय मैंने जो जितने भी उनकी स्पीच कुछ देखी हैं, उनके कुछ काम देखे हैं गवर्नमेंट, उसने ये टूरिज्म के ऊपर काफी काम किया है। मेरा ख्याल उसने एक मिनिस्ट्री भी बनाई है। ठीक है, इंडिया में नहीं नहीं नहीं, इमरान खान की। अच्छा, इमरान वो अपने दौरे हुकूमत में बनाई थी, एक मिनिस्ट्री बना गया। अब वो फॉल है या नहीं है, मुझे इसके आप बेहतर वो उसके ऊपर वर्क उस तरीके से नहीं अभी हो रहा। और दूसरे नंबर पे मैं ये भी कहूंगा, इमरान खान के दौर में अगर बात करें, पॉलिसी उन्होंने बनाई, सारा कुछ किया, लेकिन क्या इंटरनेशनल टूरिस्ट आए? आए तो फिर नहीं, क्योंकि टाइम लगता है उसके ऊपर, पूरा उनको सिक्योरिटी चाहिए, उसको रिहाइश चाहिए, उनको उस तरह का एनवायरमेंट चाहिए, उसको रहश, खाना पीना ये चीजें चाहिए पाकिस्तान में चाहिए। कोई एक इमरान खान की अभी, क्योंकि इस टाइम वो सियासत में उस तरीके से इन नहीं है, वो तो जेल में है, एक सजा अपना वो पूरी कर रहे हैं। उनके अलावा अगर बात करूं, कोई एक लीडर एज ए प्राइम मिनिस्टर आप देख रहे हो कि भाई जो पाकिस्तान के लिए सिंसियर है, या फिर ये कह सकें कि भाई इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनसे जो कह लें कि भाई ज्यादा अपने कंट्री के लिए सिंसियर वो? कोई भी नहीं, इधर तो कोई भी नहीं। देखो उनसे अपने मुल्क में तो क्या नहीं, उनकी बहुत सारी प्रोडक्शन है, फिर उसके बाद ये सॉफ्टवेयर आईटी के ऊपर बहुत ज्यादा है। हम पीछे देखते हैं, हमारे मुल्क में तो बहुत कुछ है। पिछले दिनों ये भी खबर गुजरी है कि जो वो आईटी पार्क जो इंडिया में बना है, वो पाकिस्तान में बनना हो रहा था, इन्होंने कमीशन मांगी थी। यहाँ पे तो कमीशन एजेंट है ना, ये चीज खबर आई थी। अभी इसके अंदर ये देखने वाले भी बताइएगा कि भाई क्या चीज है कि जो वाकई में बेंगलोर आई थिंक जो उनका सिटी है आईटी पार्क के हवाले से, क्या वो पहले पाकिस्तान में बनने जा रहा था, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से वो तो उन्होंने खुद बनाया, या वो इंटरनेशनल लेवल से इन्वेस्टमेंट? नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट है वो, सपोर्ट तो वो, ये क्या इसका नाम है गूगल का, जो गूगल के सीईओ है, उन्होंने किया सब कुछ वो पाकिस्तान के। लास्ट में मुझे बता दें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई उम्मीद है आपको लगता है आने वाले टाइम? एज ए मुसलमान अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ला तकनतु मिन रहमतल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। ठीक है। तो इसीलिए उम्मीद में तो बैठे हैं कि किसी वक्त ये इस्लाम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे मुल्क बना है,
तो कोई तो आएगा इसको सीधे रास्ते पे चलाएगा और हम भी सुधर जाएंगे। ये चीज है। अच्छा, उम्मीद पे बैठे हैं इन्होंने ये बात की, जबकि मेरे ख्याल से उम्मीद पे बैठना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए। जब तक हम खुद नहीं एफर्ट करेंगे, जब तक खुद मुश्किल फैसले नहीं करेंगे, मेरी जो जिम्मेदारी है वो मैं पूरी नहीं करूंगा, इनकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेंगे, तब तक चेंज नहीं है। उम्मीद इसलिए कि कोई लीडरशिप आए, कोई इस एजेंडे के ऊपर लेके चले तो हम करें ना, कोई विजन दे, कोई प्लेटफॉर्म दे। लीड इसलिए कोई लीडर भी तो हो ना, कोई एजेंडा भी तो लेके आए ना, कोई लीड भी तो करे कि भी हमने ये करना है, तो फिर ही कुछ बेहतरी को उम्मीद है। प्रोडक्शन पाकिस्तान में करनी है, हमने तेल निकालना है, मैं ये तेल निकालने लगा हूँ, मेरा साथ दो या कुछ करो, यही होता है ना। आवाम तो फिर साथ खड़ी होती है, साथ खड़ी होती है। ऐसे ही है जी, अच्छा लगा बात करके, आपको इनकी ओपिनियन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।